अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आए हज़रत वारिस अली शाह की दरगाह शरीफ पे, और हम लोग यहाँ का आप लोगों को मेला दिखाएंगे जो कि पीछे लगता है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ का मेला दिखाएंगे। अभी हम लोग दरगाह शरीफ पे हैं, तो दरगाह शरीफ का व्यू दिखाते हैं आप लोग। माशाल्लाह दरगाह शरीफ का व्यू आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, काफ़ी अच्छे दरगाह शरीफ का व्यू है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और दिखाते हैं आप लोगों का यहाँ का। यहाँ की अगर वीडियो देखना है तो आप पहले ब्लॉग में जा सकते हैं, जो कि हम आई बटन में ऊपर डाल देंगे, वहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ की ज़ियारत की वीडियो हम लोगों ने डाला था, सुभान अल्लाह क्या नज़ारा है। ये शाम टमे का नज़ारा है, जो कि करीब टाइम यहाँ हो रहा है 6:30 बज गया है, मतलब 6:31 हो रहा है, जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। तो आप मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ से भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और दिखाते हैं फटाफट आपको बाहर का व्यू, और बाहर जाके दिखाते हैं आप लोगों को मेला। और फ्रंट गेट पे आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, और ये फ्रंट गेट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्यू अच्छा आता है यहाँ, और खादिम साहब कुछ पढ़ रहे हैं, ये देखिए। यहाँ आके आप जब देखेंगे तो ये भी देखने को मिलेगा आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं ये, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मेला के दिखाएंगे आप लोगों को व्यू, तो फटाफट से चलते हैं मेले की तरफ, मेले का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। कभी सरकार के चादर पेश करी आएंगे कुछ भूखा देगा, उसे रोटी खिला देंगे, चाय पिला बिस्कुट खिला। हाँ मिला, चाय पियेंगे। टमाटर लाए दाल फ्राई करने को, टमाटर वो कह रहा तुम्हारा दरोगा कह रहा दाल फ्राई कर रहे खिलाफ। मतलब ये अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, ज़्यादातर बाबा के लिए करती हैं। बाबा के लिए नहीं है, बाबा के लिए क्या करेंगे, ये तो मस्त है। अच्छा मस्ती में अपनी जी जी फोटो लगा कर देखो। लोग मेले के बाहर का व्यू देखिए आप लोग, यहाँ चादर आदर देखने को मिलती हैं आप लोगों को, चादर आदर ले सकते हैं आप। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की चादर देखने को मिलती है जब यहाँ आएंगे, आप देख सकते हैं। ये मज़ार भी है हज़रत साकिर शाह वारिस की, जो मज़ार देखने को मिलती है आपको। ये शाम टाइम का मेला है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिठाई उठाई भी मिल जाती है आप लोगों को। जब यहाँ सिन्नी आप ले कर आएँगे तो सिन्नी पेश करने के लिए आपको सिन्नी यहाँ देखने को मिलेगी, और अभी हम लोग भी सिन्नी लेंगे तो पेश करना है। हम लोग को भी सिन्नी लेके हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अंदर जाएंगे, और मगरिब के बाद का आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। जैसे कि सिन्नी देखिए भाई के पास, सारी सिन्नी मिल रही हैं, सारी सिन्नी हैं इनके पास। ये देखिए ये भाई हैं जो कि इनके पास सारी सिन्नी मिलती है। इधर से आप जाने का खाने पीने का सारा सामान देख सकते हैं जो कि मिलता है, और ये देखिए भाई जो मतलब यहाँ सिन्नी नहीं देते हैं। पेड़ा यहाँ 300 रुपये किलो मिल जाता है आपको, जो कि ये पेड़ा देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ का ये मेला देखने को मिलता है, और यही आपका फ्रंट रोड भी मिलती है जो कि मज़ार की तरफ जाती है। ये आप फ्रंट रोड देख सकते हैं, जैसा कि यही वाली है जो हमने आपको अंदर से ज़ियारत कराई अभी तक। और ये आपकी फ्रंट रोड देखने को मिलती है, यहाँ होटल होटल भी देखने को मिलते हैं आपको, और यहाँ लुबान भी मिल जाएगा आपको, बर्तन भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं यहाँ मेले में। पूरा मेला जैसा कि मतलब लगता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है जब यहाँ उर्स होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े में लगाया जाता है मेला, और काफ़ी ज़्यादा पहले से। अभी तो कोरोना चल रहा था, कोरोना काल के चक्कर में मेला यहाँ नहीं लग रहा है, मगर इस साल इंशाअल्लाह यहाँ मेला लगेगा, तो वो भी देखेंगे। जैसा कि ये देखो बच्चा ये कर रहा है आप लोगों को, जैसा कि और यहाँ देखिए आप लोगों को दुकान देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुकानें देखने को मिलती हैं यहाँ आप लोगों को। ये मतलब जो दुकानें हैं, मतलब आप लोगों को सारा सामान देखने को मिलता है यहाँ, आप लोग ले सकते हैं यहाँ, हर चीज़ देखने को मिलता है, पूरा मेले टाइप का दिखता है। और काफ़ी ज़्यादा शाम टाइम का मौसम है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, जैसा कि हम लोग सुबह 8 बजे से चले थे, मगर अपने फ्रेंड के घर पे ज़्यादा हम लोग को समय लग गया, तो इस मारे हम लोग को टाइम हो गया था। मगर ये पूरा मेले का व्यू है आप जो देख रहे हैं यहाँ, और जैसे कि यहाँ मिट्टी का खिलौने हैं, हुक्का है, और यहाँ खाजा करके एक ये भी मिलता है जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, और यहाँ टोपियाँ हैं, चश्मा हैं, चादर हैं आप लोगों को देखने को मिलती हैं पूरा मेले में आप लोगों को इसी टाइप का। आगे फ्रेंड तक जहाँ तक नहरिया पड़ती है आप लोगों को वो भी दिखाएँगे, नहरिया कहाँ है वो, मगर हम लोग
जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ज़्यारत उसकी भी कराएंगे, वहाँ भी जाएंगे, और मज़ारे हैं तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी कोशिश करेंगे जाने की। तो आप यही रोड है जो आपको जाती है मज़ार की तरफ, और यही रोड है जो कि आप यहीं से जा से बाहर निकल जाएंगे, और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ की ट्रेन भी ले सकते हैं, बस भी मिल सकती है, आपको हर चीज़ की सुविधा यहाँ देखने को मिलती है। जिस टाइप का देखने को मिलता है, यहाँ खाजा की दुकान है, ये देखिए यहाँ खजला खजला करके पहले जब फेमस होता था तो यहाँ होटल भी हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस दरगाह है और काफ़ी ज़्यादा जानने वाली दरगाह है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेला मजमा होता है यहाँ, जो कि अगर आप उर्स में आएँ, यहाँ जब उर्स होता है यहाँ का, उर्स शरीफ जो होता है, तो उसमें आपको पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि पैर रखने की जगह तक नहीं रहती है। ये मेला तो मेला मेन मेला हो जाता है, क्योंकि ये मेन रोड है, तो जो इसकी दूसरी वाली रोड है जो कि हम लोग फ्रेंड रोड पे जाएंगे, जहाँ से आप लोगों को बस और टेम्पो ये सब मिलती है, तो वहाँ भी जाएंगे, अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि आप वहाँ भी जाके कुछ भी पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है, यहाँ आ नहीं पाएंगे आप। और ये देखिए आप दरगाह शरीफ हैं यहाँ, और अभी फाइनली हम लोग आ रहे हैं, एक यहाँ टिल्ले पे दरगाह है, वहाँ भी हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, वहाँ भी जाएंगे। और ये मस्जिद देख लीजिए आप, और अज़ान का समय होने वाला है, अभी हम लोग वीडियो को यहीं पर साइंड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट आप नमाज़ से बाद हम लोग को फिर व्लॉग शुरू करेंगे, अगर हम लोग के पास समय होगा तो वहाँ से भी व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो माशाल्लाह आज हम लोग मगरिब की अजान हो चुकी है देवे शरीफ में, तो हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ मस्जिद हमने आपको दिखाई थी फ्रेंड से देवे शरीफ में है ये, क्योंकि वीडियो जर आ रही होगी, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि नमाज का समय हो गया है और अजान भी हो गई है, तो अभी हम लोग ने फटाफट जाना है नमाज़ पढ़ना है, तो हम लोग वज़ू खाने पर जाएँगे, वही वाले वज़ू खाने पर, क्योंकि देवे शरीफ की दरगाह है ये, और ये इसके सामने वाली जो मज़ार है हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी दरगाह पर, पहले वज़ू बनाएँगे और फिर जाएँगे मस्जिद में, तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपको मिलते हैं फिर से। अब हम लोग ने वज़ू बना के मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को नमाज़ खड़ी हो गई है। جفن المسافر ما غفا مثقب حبا ووفا الحمد لله। ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है, मस्जिद के अंदर पूरा एसी का इंतज़ाम किया गया है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है जो कि देवे शरीफ की मेन मस्जिद है। अब हम लोग इस वाले गेट से निकलते हैं और आपको मज़ार शरीफ का नज़ारा दिखाते हैं, जो कि रात का नज़ारा होगा। अब हम लोग मज़ार शरीफ से मस्जिद से अभी निकले हैं, और हम लोग मज़ार शरीफ जाने की तैयारी करने वाले हैं, तो अंदर जाके वीडियो शूट कर नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को बाहरी से ज़ियारत करा देंगे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि रात में मज़ार का नज़ारा कैसा लगता है। जैसा कि ये मेन गेट दिख रहा है, जो कि मज़ार का मेन गेट है, और अभी मज़ार को दिखाते हैं आप लोगों को, और दिखाते हैं मज़ार किस टाइप का रोज़ा लग रहा है आप लोगों को, जो कि हज़रत वारिस अली शाह की दरगाह पे हैं हम लोग, यहाँ का हम लोग पूरा व्यू दे रहे हैं। यहाँ ऐलान भी होता रहता है, जैसा कि अभी कोई खो गया है तो उसका ऐलान हो रहा है यहाँ, और अभी व्यू दिखाते हैं हम लोग मज़ार का आप लोगों को एक मिनट। और ये आप लोगों का मेन गेट है, जो कि आप जिससे बाहर जा सकते हैं, और अब आप देखिए मस्जिद हज़रत वारिस अली शाह की दरगाह शरीफ, माशाल्लाह सुभान, क्या प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह। एक बार कमेंट में लिख दीजिए माशाल्लाह। आप लोग अपनी अपनी ज़ियारतें कर लीजिए, माशाल्लाह ज़ियारत काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अभी हम लोग जो मस्जिद में थे, जो कि यहाँ की मस्जिद थी, याली मस्जिद में थे, यहीं का व्यू आप लोगों को दिखाया है अभी, और ये है आपका फ्रंट गेट, जिससे कि दरगाह शरीफ का है, और यहाँ सब रहते हैं, और ये है फ्रंट गेट मज़ार शरीफ का माशाल्लाह। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ की इंशाल्लाह
मेहनत करेंगे कि दिन में बनाने की, जो कि आपको दिन में बाज़ार का व्यू दिखा पाएँ। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मज़ार की ज़ियारत करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस यही आप लोगों से दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।